जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 10 तारीख को और 10 दिन के लिए गणेश जी महाराज हमारे सारे विघ्नों को दूर करने के लिए आ रहे हैं। इस समय जितनी भी पूजा जप तप आप करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है, किसी भी तरीके की मनोकामना होती है, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, सबको पूरा करते हैं गणेश जी महाराज, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, विनायक हैं, जो भी जिसके कष्ट होते हैं ना उन सबको दूर करते हैं। मगर शर्त ये है कि सच्चे दिल से आपने पूजा करनी है। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे उपाय लेकर के आई हूँ। ये छोटे छोटे उपाय हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। समय जो रहेगा गणेश स्थापना का, 10 तारीख को 11:31 से 1:48 तक का समय है। जो समय, इस समय जो भी कहते हैं ना, एक शुभ समय पे अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस समय। तो आप अपने हाथ से अगर गणेश जी बनाना चाहते हैं तो अपने हाथ से गणेश जी बनाएं, या मार्केट से कच्ची मिट्टी का लेकर के आइएगा गणेश जी और इनकी स्थापना करिएगा। पीला कपड़ा या लाल कपड़े के अंदर इनको ढक करके घर के अंदर लेकर के आइए। इनके लिए पूरे, जैसे हमारे घर के अंदर जब कोई मेहमान आता है तो हम बहुत धूमधाम से सब चीज़ें करते हैं, तो उसी तरीके से गणेश उत्सव मनाया जाता है। जिनकी कुंडली के अंदर बुध और केतु अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, बुध क्या है, हमारी वाणी का कारक है, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है, हमारे अकाउंट्स का, फाइनेंस का, इन सब चीज़ों का कारक है, और केतु क्या है, मोक्ष का कारक है। तो बुध और केतु को इन 10 दिन के अंदर जो है आप अच्छा करिए। बुध के लिए हम क्या कर सकते हैं, हरी मूंग, आप हरी मूंग ले लीजिए। हरी मूंग को आप या तो मंदिर में दान कर दीजिए या फिर किसी गरीब को दे दीजिए। हरी मूंग आप एक दिन पहले भिगो दीजिए और अगले दिन वो भीगी भी जो मूंग की दाल है पक्षी के लिए डाल दीजिए। केतु को खुश करने, केतु बहुत खुश होते हैं जब हम कच्ची मीठी गोलियां जो होती हैं छोटे छोटे बच्चों को बांटते हैं, इससे हमारा केतु अच्छा होता है, क्योंकि मोक्ष कारक है। धूप घास, 16 धूप घास नीचे से बांध करके गणेश जी को ज़रूर अर्पण करिएगा इन 10 दिन, एक नियम बना लीजिएगा। साथ में शमी का पत्ता, शमी का पत्ता गणेश जी को बहुत प्रिय है, और शमी क्या देता है, हमारे को यश देता है और हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देता है। तो शमी का पत्ता जो है आप गणेश जी को ज़रूर अर्पण करिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने के लिए आ रही हूँ, एक नंबर जो आपकी जो भी मनोकामना है ना वो पूरी करेगा। आपने हरे रंग का कागज़ लेना है, हरे रंग के कागज़ पे 333 ऊपर लिखना है, 333 लाल रंग से लिखना है आपने। आप रोली से भी लिख सकते हैं, लाल पेन से भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद में आपने आपकी जो भी मनोकामना है, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, किसी भी तरीके की जो भी है कि बाबा 10 दिन के अंदर मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करो, या मेरे को कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं अपनी लाइफ के अंदर सफल हो सकूँ, आपने ये लिख दिया। और उसके नीचे आपका दास, नीचे लिख दीजिए आपका दास, अपना नाम लिख दीजिएगा। वो जो कागज़ है आपने गणेश जी के, जहाँ पे आपने गणेश जी की स्थापना करी है उनके चरणों में रख दीजिएगा। और दिन में आपने सुबह, दोपहर और शाम को 3 बारी आपने 3 बार जो आपने लिखा हुआ है वो बोलना है। जिस समय आप बोल रहे हैं तो उस समय आपने फीलिंग भी आपकी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी फीलिंग पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक आप फील नहीं करेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है कि ये मेरे को चीज़ मिल गई है, मुझे पूरा विश्वास है गणेश जी महाराज ने मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। बोली गणेश जी महाराज की जय। जय श्री राम।